हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा, नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, देख सकते हैं मेरे पास एक टावर फैन है और जो है हम इसका कनेक्शन करना सीखेंगे कि इसमें मोटर का मोटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो सीखेंगे, इंस्टॉल करना और कनेक्शन करना, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपने देख लिया तो इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 MMD का कैपेसिटर इसमें जो लगने वाला है, मैंने यहाँ पे इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, और बचा है हमारा ये स्पीड कनेक्शन। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें जानेंगे कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं इसको। और इसमें जो है अभी हम क्या करेंगे, इसका जो बेस प्लेट है यहाँ पे ये वाला, जिसके ऊपर मोटर को रख के टाइट किया जाता है, उसको पहले बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें मोटर को फिटिंग करके उसके बाद कनेक्शन करना सीखेंगे। तो ये इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, ये इसका बेस प्लेट है। ठीक है, तो बेस को हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से और इसमें जो है हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेस है और मोटर को इसके ऊपर ऐसे हमको रखना होगा। ठीक है, रख के और इसको हम कनेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें इस तरीके से इसको मोटर को ऐसे रख देंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसे रख देना है और पीछे से हमको क्या करना है कि पीछे से वासर लगा के ये चारों बोल्ट को हमें, इसके चारों बोल्ट है इसको टाइट कर लेना है। तो ये हमारे वासर हैं इसके, तो मैं इसमें लगा लेता हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें लगा लेना है और ये स्क्रू को, ये नट को हमें इसमें लगा के इसे टाइट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस बेस में इसको कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, मोटर को, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर को हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो मैं कैपेसिटर को यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ इसमें ऐसे लगा के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हमारा लगाने के लिए, यहाँ पे दो होल बना है। तो कैपेसिटर को यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे ऐसे लगा के। ठीक है, और इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, और हमारा ये हो चुका है फिक्स, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा बचा वायर, तो इस वायर को हमें कैसे कनेक्शन करना है, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारा दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा 3 स्पीड का जो इस टाइप का जो मोटर होता है, बड़े कूलर में या इसमें जैसे लगा हुआ है, किसी भी छोटे कूलर में जो 3 स्पीड के अपना जो मोटर होते हैं, इसमें जो है हमारा ब्लू वाला कॉमन रहता है और बाकी 3 जो है स्पीड का रहता है। तो मैंने इसमें जो मैंने वाइंडिंग किया है इसका, तो वाइंडिंग किया है तो मैंने इसमें जो है ये जो है रेड वाला इसका कॉमन है, कॉमन वाला वायर है। ठीक है, ये कॉमन है, इसमें हमको इनपुट सप्लाई देना है। ठीक है, और ये 3 स्पीड वाले हैं, तो हमारा कॉमन वाला इसमें रेड में रखा हूँ। दोस्तों, अगर इसका ये वाइंडिंग का वीडियो अगर नहीं जानते हैं या इसमें कितना डाटा जो है इसमें डाला है वो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल में जो है इसका वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूं। तो मेरा ये रेड वाला कॉमन है, तो ये जो मेन वायर देख सकते हैं जो आया हुआ है बोर्ड से, मैं इसमें कनेक्शन ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और एक देख सकते हैं ये वाला हमारा सेविंग का है, सेविंग मोटर का इसका, तो हम इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन में हमारा कनेक्शन हो गया, अब हमारा सप्लाई इनपुट हो गया इसमें। ठीक है, और हमारा डायरेक्ट एक सप्लाई इसमें आ जाएगा, और बची हमारी ब्लैक वाली। तो ब्लैक वाली जो है इसमें दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा इस टाइप का जो वायर लगा हुआ रहता है 3 स्पीड का, जैसे मैं बोला ब्लू वाला कॉमन का, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लू वाला है इसमें हम इनपुट सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छील लिया, और जो ब्लू वाला है हम इसमें इनपुट की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, एक तो हमारी मोटर के साथ कॉमन हो गई और हम इसमें इनपुट की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड वाली है ये, तो इस हमको ध्यान देना होगा इसमें। ठीक है, तो एक जो कॉमन रहेगा मोटर के साथ, ये डायरेक्ट हमारा मोटर में जाएगा एक पावर, जो दूसरी बार बचेगी। इसमें एक कॉमन दिया है ब्लू का, जैसे इसमें लगाया था इसमें भी वैसे लगाया है,
तो हम इसको इसी तरीके से जोड़ लेंगे, ठीक है। और बची हमारे 3 स्पीड की, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको टेप कर लेते हैं, टेपिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम टेप को मार के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक कॉमन वाला है जो कनेक्शन हमारा स्विच में जा रहा है, इसका कनेक्शन। तो इस तरीके से हम इसमें, देखिए हम इसमें टेप मार देंगे अच्छे तरीके से, ताकि कुछ हमारा वायर ओपन न रह जाए, नहीं तो करंट भी लग सकता है, ठीक है। और इस वाले वायर को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा वायर है इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे देखिए टेप मार देंगे, ठीक है। कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो हमारा ये कवर हो चुका है, ठीक है। अभी ये हो चुका कंप्लीट, और बचा हमारा ये हमारा वायर जो कि स्पीड का है, ठीक है। और ये हमारा 3 ठो स्पीड का है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें स्लेट वाला है वो हाई स्पीड है, तो चलिए मैं इसमें स्लेट को ब्लैक में कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। और एक जो हमारा ये ग्रीन वाला है जो कि लो स्पीड है, तो मैं इसको वाइट में जोड़ लेता हूँ। और ये हमारा मीडियम स्पीड है, तो मैं इसको रेड में जोड़ लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें टैपिंग कर दूंगा हल्का सा, क्योंकि हमें अभी देखना है कि हमारी जो फैन का कनेक्शन है वो सही तरीके से हुआ है। ये सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा एक जो बोर्ड से 2 न्यूट्रल फेस निकल के आता है, हमें एक मोटर का जो इस मोटर का जो है हमारा एक कॉमन वायर, ठीक है, और इस वाले सेविंग मोटर का एक वायर लेके हमें इसमें जोड़ लेना है कि, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों इस सेविंग मोटर का दूसरा जो ये वाला वायर देख रहे हैं, ये हमारा जो एक वहां से कॉमन जो जा रहा है उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये मोटर चलने लगता है क्योंकि वहां पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये कॉमन इस मोटर का हो गया, और इसमें देखिए जो दूसरा वायर बचा है ये स्विच में चला जाता है। तो ये एक बार जो कॉमन इसका रखा हुआ है यहाँ पे ब्लू वाला, तो ब्लू वाले मैंने पावर दे दिया है, और ये 3 जो है स्पीड के लिए है, तो मैं तीनों को स्पीड वाले में जोड़ दिया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, आपको कलर पे नहीं जाना है कि कौन सा कलर किस में है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि हमें कौन सी स्पीड चाहिए, बस जो हमारी स्पीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि 1 2 3 जो स्पीड होती है उसमें बराबर होनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि कोई लोग जो है वो 1 नंबर में स्लो स्पीड रखते हैं, और 2 में मीडियम रखते हैं, 3 में हाई रखते हैं, और किसी किसी फैन में जो है होता है कि 3 नंबर में हमारा हाई स्पीड होता है, ठीक है। सॉरी, 1 नंबर में हमारा हाई स्पीड होता है, 2 नंबर में मीडियम होता है, और 3 नंबर में जो होता है हमारा स्लो स्पीड होता है। तो कुछ इस तरीके से करेक्शन हुआ होता है दोस्तों। हमारा स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों हम अपने ऊपर निर्भर करके हम कनेक्शन कर सकते हैं कि हमको कौन से नंबर में क्या स्पीड रखना है, ठीक। उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस हमारी 3 स्पीड वाली जो है वो हम किसी में जोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक स्विच है, और स्विच कैसे काम करता है, रेगुलेटर स्विच इसका जो रहता है वो कैसे काम करता है, तो आप देख जब उसके बारे में जानेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जो है मैं यहाँ पे कनेक्शन, देखिए मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हम इसमें अभी क्या करेंगे कि हमारा जो इसका वायर है, ये मेन वायर, तो मैं इसको बोर्ड में लगा देता हूँ। और देख सकते हैं ये हमारा पावर है, इसमें पावर बोर्ड है जो कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये चालू है, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और इसका जो वायर है ये मेन लीड वायर जो कि इस फैन का है, मोटर का, इस मोटर का है, ठीक है। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, इस तरीके से मैं इसमें इसे लगा दूंगा, ठीक है। लगा के मैं चालू करूंगा, तो देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। तो अभी देखिए ये नहीं चल रहा है, और स्विच को हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं बंद करके पहले स्विच को देख लेता हूँ कि हमारा स्विच जो है चालू है कि नहीं चालू है। तो स्विच हमारा बंद है, तो मैं इसको पहले 1 नंबर पे कर लेता हूँ। अभी देखिए हमारा चालू हो गया, और यहाँ से हम चालू करते हैं, अभी चल नहीं रहा है। देखिए अभी हमारा मोटर यहाँ से चलने लगा, क्योंकि इसका जो वायर है वो हिल रहा है यहाँ से, इसलिए नहीं चल पा रहा है। देखिए मोटर हमारा चलने लगा है, ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है मोटर। इसका जो ये स्विच है, मैं इसमें कम ज़्यादा करके देख लेता हूँ। तो मैं पहले देखिए वायर हिल गया है, देखिए देख सकते हैं जो हमारा बीच में है वो स्लो हो गया है, और जो लास्ट 3 नंबर है वो मीडियम स्पीड चल रहा है अभी, ठीक है। और सबसे ऊपर है जो 1 नंबर में, ये हाई स्पीड है, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा, बाकी सब ठीक है।
हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमारा सारा कुछ सही हो चुका है, तो मोटर को इसमें हम डाल लेते हैं। तो मोटर को हम इसमें फिटिंग करेंगे, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसको अच्छे तरीके से इसमें फिट करना हमें। तो ये वायर इसका छोटा है तो मैं इसको ऊपर ही रख लेता हूँ और इसको इसमें ऐसे डाल लेंगे, सीधा अंदर चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये अंदर चला गया, ठीक है। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और इसको हमारा जो वायर छोटा है तो मैं इसको आराम से ऐसे धीरे से ऐसे सीधा करके रख लेता हूँ ताकि ये टूटे ना, क्योंकि वायर छोटा है तो टूट भी सकता है। और इसको हम इसमें ऐसे सेट कर लेंगे इस तरीके से। और इसका जो स्क्रू है यहाँ पे ये वाला, इसको टाइट कर लेते हैं। तो हमारा दोस्तों देखिए हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से, और देखिए अच्छे तरीके से मूव कर रहा है ये हमारा, अच्छे तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा जो है कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट, और अभी इसको हमें पैक करने की ज़रूरत है। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमें इसमें पैक करना होगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसको इस यहाँ पे बंधा हुआ था इस तरीके से यहाँ पे बांध लेंगे। ये हो चुका, और इसको अभी थोड़ा टाइट करके कट कर लेंगे। अभी ये कंप्लीट हो चुका है, और इसको इस तरीके से घुमा के, ठीक है, और इसका वायरिंग वगैरह सही से कर लेंगे, ठीक है। और इसको घुमा के इसमें हमको ऐसे फिट करना होगा। तो सारा वायर को हम साइड कर लेंगे, और नहीं तो इसको भी हम देखिए इसको हम इस तरीके से इसको भी बांध लेते हैं। तो देखिए हो चुका है, और इसको हम इसमें फिट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसको हम चालू करके एक बार देखेंगे कि ये चलता है कि नहीं। तो चलिए मैं इसमें पावर दे लेता हूँ। तो ये मेरा बोर्ड है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और मैं इसमें लगा लेता हूँ। तो लगा लिया मैंने और चालू करते हैं। तो देखिए अभी घूमने लगा है और अच्छे तरीके से हवा दे रहा है। चलिए देख सकते हैं इस कपड़े को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए देखिए एकदम बढ़िया हवा दे रहा है, देखिए एकदम बढ़िया हवा दे रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है। तो दोस्तों जमीन पे इसीलिए थोड़ा सा कड़कड़ की आवाज आ रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।